बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बेटा यहां से ध्यान से रख देना, ये यूपी की ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाओगे। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, सच बता रहा हूं। आप बस पेपर का नाम देख लीजिए, पेपर का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये आपका पेपर का नाम है। ये फिजिक्स का सेकंड पेपर है बीएससी सेकंड वालों का। अब ध्यान से देख लेना यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, मैं आपसे बोल रहा हूं जो जो क्वेश्चन के बारे में बताऊं वही क्वेश्चन पढ़ना, बाकी कुछ मत देखना, कुछ और। अब क्या करना होगा आपको देख लीजिए एक बार ध्यान से, मैं आपको सिंपल तरीके से जो जो क्वेश्चन पे टिक लगाऊं बस वही पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बाकी कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये है फिजिक्स का सेकंड पेपर और देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर का नाम हो जाएगा बीएससी सेकंड ईयर यूपी आल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए 2022 में न्यू मॉडल पेपर के आधार पर मैं आपको लेके आया हूं। यही क्वेश्चन पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 85% प्लस यहां से देखने को मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, बस यही पढ़िए, बाकी कुछ और मत पढ़िए। मैं आपसे बोल रहा हूं बहुत सारे छात्रों का देखो यूएफएम वगैरह लग रहा है, नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो मैं उसको लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूं कि भैया नकल करते हैं लोग और किस तरीके से भी करते हैं, लेकिन आप मत करिए, ठीक है ना, आप वो मत करिए, आप थोड़ा सा संघर्ष कर लीजिए, संघर्ष से ही विजय होता है आपको पता है। आप संघर्ष करिए, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आप मार्केट से लेके आए हैं आप उसको ओपन कर लीजिए, यदि आप नहीं लेके आए हैं तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। paperhacker.in पर जाइए, वहां जाकर paperhacker.in हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए paperhacker.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जैसे ही टच करेंगे उस लिंक पर यहाँ पहुंच जाएंगे, आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे वहां, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर सबके आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। अब देखो ध्यान से मेरी बातों को, अब आपको क्या क्या पढ़ना है, यहां बोला गया है स्थिर वैद्युतकी, यहां बोला गया है स्थिर वैद्युतकी में गॉस के नियम के बारे में, भैया गॉस के नियम और प्रमेय ये दोनों को पढ़ लेना। अब पहला क्वेश्चन हम क्या होगा, गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप मोस्ट पे लगा लेना बेटा, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेगा, 100% 2022 के पेपर में बन रहा है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद में आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ये वेरी शॉर्ट में मिलेगा। आप आगरा यूनिवर्सिटी से हो, बिहार से, आगरा यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप कह सकते हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हो, बनारस यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, बल्लिया यूनिवर्सिटी से हो, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, कानपुर यूनिवर्सिटी से हो, दूसरे भी MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी से हो, यही पेपर में सब छप रहा है, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहां बोला गया है देखो, यहां बोला गया है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ के जाएंगे। वैद्युत, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और वैद्युत स्थिर विभव क्या होता है इसकी परिभाषा पढ़ेंगे शॉर्ट में। इलेक्ट्रो देखो डिपोल बोलते हैं इसको, द्विध्रुव को, यहां बोला विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव, विद्युत स्थिर विभव, और आप देखेंगे वैद्युत ध्रुवण, वैद्युत ध्रुवण, ये जो चारा पॉइंट पांच पॉइंट जो देख रहे हैं ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है और विद्युत ध्रुवण ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दो तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जो आपके पेपर में हर साल छपते हैं, इसको कोई बचा नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि भाई ये चीज को मत छापना, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलेंगे देखने को। गॉस की प्रमेय मैंने आपको इंपोर्टेंट दे दी, ये देखिए ये है गॉस के सिद्धांत के बारे में, ठीक है, यहां बोला गया परावैद्युत माध्यम के लिए गॉस का सिद्धांत क्या होता है और परावैद्युत ध्रुवणता की परिभाषा, ध्रुवणता की परिभाषा देख लेना, परावैद्युत ध्रुवणता की परिभाषा के बारे में, ये एम्पियर की परिभाषा है, एम्पियर की जो एम्पियर होता है उसके परिपथ प्रमेय के बारे में पूछ लेता है कि एम्पियर की परिपथीय प्रमेय क्या होती है वो आप याद करेंगे। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र के अदिश के लिए वेक्टर के सदिश, इसको छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको छुड़वा रहा हूं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं छुड़वा देता हूं जो बेकार की चीज होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में छपेंगे। यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए 2022 का मॉडल पेपर यही है, सिलेबस आगे पीछे नहीं होता है, सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी का सेम
है यूपी की, यही बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं देखना, ठीक है ना। आप कहो कि मेरी यूनिवर्सिटी के लिए अलग से एडवांस बना दो, बहुत सारी 70 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, सबको अलग अलग नहीं बना सकता, क्योंकि आपको पता है सिलेबस वही है, क्वेश्चन भी वही आते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में ऊपर वाला आ जाए और दूसरी यूनिवर्सिटी तीसरा आ जाए, लेकिन आएगा यही, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहां देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यहां बोला गया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली के बल आघूर्ण के लिए, बल आघूर्ण 100% आपसे पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र में ही पूछेगा आपसे, मैग्नेटिक फील्ड में, इसको आप मोस्ट पे लगा देना। उसके बाद में आता है चुंबकीय अदिश विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा, चुंबकीय सदिश विभव की परिभाषा, दोनों के बारे में आप देख लेना, मैग्नेटिक वेक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है, ठीक है, और आपको मैग्नेटिक जो स्लोवर होता है और वेक्टर होता है, दोनों को आप देख लेना, ठीक है। और देखो ये वाला इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे कहते हैं मैक्सवेल की समीकरण, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको मोस्ट पे लगाना बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, ये मैं ऊपर बता दूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेना, वही गणना करने के लिए बोला है, यहां दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर साल पेपर बनता है, इसको मोस्ट पे लगाना बेटा, इसको मोस्ट पे लगाना। सतत्य समीकरण क्या होती है, देखो अन्योन प्रण गुणांक, अन्योन प्रणत्व क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको देख के जाना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद नीचे जाइएगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये बोला है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण के नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रण के नियम, आप ये क्वेश्चन याद कर जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में आता है समतुल्य प्रवर्तक क्या होता है, समतुल्य प्रवर्तक को भी आप पढ़ लेना है और प्रकृत्व को पढ़ लेना है। उसके बाद में है चल कुंडली प्रक्षेप धारा मापी, इसको छोड़िएगा। बीटा, देखो बीटा ट्रॉन क्या होता है, बीटा ट्रॉन को आप पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीटा ट्रॉन बहुत ज्यादा बहुत पूछा जाता है और ये हर साल बना है ये पेपर में, जो जो आपको बता रहा हूं सेकंड पेपर आप देख रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेपर का नाम हो जाएगा। आप यहां देख लीजिए चुंबकीयशीलता की परिभाषा आप देखेंगे, चुंबकीयशीलता किसे कहते हैं, चुंबकीय, देखिए कह रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति तीव्रता, देखो चुंबक जो होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ठीक है, उनको प्रकृति कैसी होती है, उसकी तीव्रता कैसी और प्रवृत्ति, और उनकी तीव्रता की परिभाषा आप देखेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ प्रवृत्ति की, उसकी प्रवृत्ति के बारे में आप देखेंगे, ठीक है, इसे इंटरसिटी बोलते हैं। अब यहां बोला गया है चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वितरण किस तरीके से होता है, तो वितरण के बारे में हो सके क्वेश्चन आपके बैंक में, क्वेश्चन बैंक जो अनसोल्ड बरगार जो मार्केट से लेके आए हैं उसमें ये इस तरीके का क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना, ना हो तो छोड़ देना, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। इसे कहते हैं देखो थेथली हाउस, इस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट पे लगा लेना है। निर्वात में तरंग की चाल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आपसे वैल्यू वैल्यू पूछी गई है, वेब इन वैल्यूज क्या होती है स्पीड में, वो आपसे पूछी गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर बता चुका हूं। बायोसेबर्ट्स का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट पे लगा लेना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये पेपर में आपका छपेगा 100%। गॉस के नियम से कूलाम का नियम कैसे होता है, देखो गॉस के नियम मैं ऊपर बता चुका हूं और कूलाम का नियम भी आप इसमें साथ में पढ़ लेना है, क्योंकि गॉस के नियम से कूलाम का नियम कैसे बनता है या कूलाम का नियम क्या था, ठीक है। उसके बाद में स्वपरत्व गुणांक क्या होता है, क्यूरी नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट पे लगा लेना, ठीक है। और ये बोला गया आणविक ध्रुवणता क्या होती है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में होता है देखो टोराडाइन क्या होता है, टोराइड बोलते हैं, टोराइड क्या होता है और स्वपरत्व, स्वपरत्व गुणांक और स्वपरत्व, ये एक में क्वेश्चन, ये दोनों एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन 100% बनेगा, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसको छोड़ के मत जाना, जो क्वेश्चन बता रहा हूं यही पढ़ लेना और आपको मतलब टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, समझ रहे हैं मेरी बात को। इलेक्ट्रॉनिक एवं परमाणिक ध्रुवणता पद की संख्या के बारे में आप देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में हम नीचे जाइएगा, देखो नीचे थोड़े से जाएंगे हम लोग और इसमें देखिएगा, ये बोला गया लारेंज लारेंज बल, लारेंज फोर्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आप जाएंगे, देखो ये वाला आप देख सकते हैं परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा में ऊर्जा का घनत्व कैसा होता है, घनत्व का कैसे नापते हैं, ये आप देखेंगे, ठीक है, प्लाविंडिंग वेक्टर के नाम से जानते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, बस इतना, यदि हो तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना वरना छोड़ देना, हो तो पढ़ लेना, हो गए तो पढ़ोगे ना, तो बस इतना पढ़ना है, इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% लाने वाले हैं, मतलब कि 2022 के टॉपर बनोगे तुम। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है, और एक हमारा न्यू चैनल जिसका नाम है खिलाड़ी भैया एक्स वाई जेड, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, हम उसका समाधान करेंगे, कुछ भी हो जाए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ओके, थैंक यू। और हाँ, ज्यादा और इसका नोट्स डाउनलोड कर लेना, नोट्स ना हो तो यार, ठीक है ना, अच्छे शॉर्ट में पढ़ो, जो भी पढ़ो अच्छा पढ़ो, मैं यही चाहता हूं, ठीक है, बाय बाय।